वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी, गुरु सवारी, खालसा साह संगत जी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वल्लों जो नांदेड़ दी धरती श्री हजूर अबचल नगर विखे 52 बचन हुक्म दे रूप विच पातशाह ने बख्शिश कीते हन। इन्हां 52 बचना दी आप जी ना सांझ पौनी जा रहे हां। आप जी ने इन्हां पावन 52 बचना नूं पढ़ सुन करके अपने जीवन दे विच अमली जामा पहनाउण दा इस भाग प्राप्त करना है। जो अंते सतगुर बोलिया है वह साढ़े लिए पंधनामा है। साध संगत जी, दुनियावी बादशाह अपने पुत्र नूं राजगद्दी देण समय मरन सेजा ते जो कुछ खास बातां उस नूं पास सद कहिंदे सन उस नूं पंधनामा कहा जांदा सी। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने जो बचन ज्योति जोत समाउण वेले उचारे ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਭਪਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਖੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਲਈ ਜੋ ਪੰਧਨਾਮਾ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਹਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ 52 ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ 52 ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਬਚਨ ਦੂਜਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ। ਬਚਨ ਤੀਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ। ਬਚਨ ਚੌਥਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ। ਬਚਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਬਚਨ ਛੇਵਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ
गुरबाणी दे अर्थ समझने। बचन सतवां, पांजां ककारां दी रहत दृढ़ रखनी। बचन अठवां, शब्द दा अभ्यास करना। बचन नौवां, ध्यान सत स्वरूप सतगुरु जी दा करना। बचन दसवां, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू मनना। बचन ग्यारवां, सब कारजां दे आरंभ वेले अरदास करनी। बचन बारवां, जम्मण मरन व्याह आनंद आदि समय जप दा पाठ करके कड़ाहा प्रसाद तैयार करके आनंद साहिब दा पाठ अरदास करके पंजां प्यारियां अते हजूरी ग्रंथी सिंघां दा वरतारा वरता के रख उपरंत संगतां नूं वरता देना। बचन तेरवां, जद तक कड़ाहा प्रसाद वरतदा रहे सारी संगत अडोल बैठी रहे। बचन चौदवां, व्याह आनंद बिना गृहस्थ नहीं करना। बचन पंद्रवां, पर इस्त्री मां भैन धी कर जाननी। बचन सोलवां, इस्त्री दा मूँह नहीं फिट करना। बचन सतारवां, जगत झूठ तंबाकू बिख्या दा त्याग करना। बचन अठारवां, रहतवान ते नाम जपण वालियां गुरसिखां दी संगत करनी। बचन उन्नीवां, जितने काम अपने करन दे होण उन्हां दे करन विच आलस नहीं करना। बचन वीहवां, गुरबाणी दा कीर्तन ते कथा रोज़ सुनना अते करना। बचन इक्कीवां, किसे दी निंदा चुगली अते ईरखा नहीं करनी। बचन बाईवां, धन जवानी कुल जात दा माण नहीं करना। बचन तेईवां, मत उची ते सुची रखनी। बचन चौवीवां, शुभ कर्म करदे रहना। बचन पच्चीवां, बुद्ध बल दा दाता वाहिगुरु नू जानना। बचन छब्बीवां, कसम सहों चुकण वाले ते इतबार नहीं करना। बचन सताईवां, सुतंत्र विचरना। बचन अठाईवां, राजनीति भी पढ़नी। बचन उन्नतीवां, शत्रु नाल शाम दाम भेद आदिक उपाओ वर्तने उपरंत युद्ध करना धर्म है। बचन तीहवां, शस्त्र विद्या अते घोड़ सवारी दा अभ्यास करना। बचन इकतीवां, दूसरे मतां दियां पुस्तकां विद्या पढ़नी पर भरोसा दृढ़ गुरबाणी अकाल पुरख उत्ते ही रखना। बचन बत्तीवां, गुरु उपदेश धारण करने। बचन तेतीवां, रहराज साहिब जी दा पाठ करके अरदास खड़े होके करनी। बचन चौंतीवां, सौण समय कीर्तन सोहले दा पाठ करना। बचन पैंतीवां, केस नंगे नहीं रखने।
बचन 36वां सिंघां दा पूरा नां लैके बुलाउणा अद्धा नहीं। बचन 37वां शराब नहीं सेवनी। बचन 38वां भादनी सिर मुन्ने नूं कन्या नहीं देवनी, उस घर देवनी जिथे अकाल पुरख जी दी सिखी होवे। बचन 39वां सब कारज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया ते गुरबाणी अनुसार करने हन। बचन 40वां चुगली करके किसे दा काम नहीं विगाड़ना। बचन 41वां कौड़ा बचन करके किसे दा हिरदा नहीं दुखाउणा। बचन 42वां दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी ही करनी। बचन 43वां बचन करके पालना। बचन 44वां अतिथि परदेसी लोड़वंद दुखी अपंग मनुख दी यथाशक्त सेवा करनी। बचन 45वां धी दी कमाई धन नूं बेख कर जानना। बचन 46वां दिखावे दे सिख नहीं बनना। बचन 47वां सिखी केसा सुआसा संग निभाउणी, केसा नूं गुरु समान जान अदब करना। बचन 48वां चोरी जारी ठगी धोखा दगा नहीं करना। बचन 49वां गुरसिख दा इतबार करना। बचन 50वां झूठी गवाही नहीं देनी। बचन 51वां झूठ नहीं कहना भाव नहीं बोलना। बचन 52वां लंगर प्रसाद एक रस वरताउणा, वितकरा नहीं करना, किसे नूं थोड़ा किसे नूं ज़्यादा इस तरह नहीं करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।